हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एक्सपीरियंस ब्लॉग ऑफ स्काई डाइविंग। तो देखो, इस ब्लॉग में मैं सिर्फ तुमको ये बताने वाला हूँ कि स्काई डाइव जाने से पहले क्या हुआ और स्काई डाइव करके आने के बाद क्या हुआ एंड व्हाई आई डू दिस व्हाई। तो उसका रीज़न ये है कि 3 साल पहले मैंने एक कमिटमेंट किया था, जब वो मेरा मीम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था पैराग्लाइडिंग, तब मैंने बोला था कि मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा स्काई डाइविंग। रीज़न, मेरे को डर बहुत लगता है, बहुत डर लगता है, इससे एक्रोफोबिया है। और जब तक तुम डर से लड़ोगे नहीं ना, तब तक तुम ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। तुम बस सिर्फ ज़िंदगी चला रहे हो और मरने का वेट कर रहे हो, कब तुम 70-80 साल के होगे और मरोगे और चले जाओगे दुनिया से। तो जियो अपनी लाइफ को, तुम्हें जिन चीज़ों में डर लगता है, जिन चीज़ों का फियर है, उन सब चीज़ों को करो, क्योंकि डर सिर्फ तब तक है जब तक तुम एंटिसिपेट करते हो चीज़ों को। एक बार तुम एंटिसिपेट करना बंद कर दोगे और यू विल स्टेप इन ऑन दी थिंग ना, तो तुम्हारा वो डर ख़त्म हो जाएगा। आपको सिर्फ उतनी सी ज़रूरत है कि उस चीज़ को शुरुआत करने की, और सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे डर लगता है, कुछ मोमेंट्स होते हैं जिन पे डर लगता है, उसके बाद वो सारा डर ख़त्म हो जाता है और सिर्फ रह जाता है तो ज़िंदगी का वो थ्रिल, ज़िंदगी का वो मज़ा और अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें सिर्फ रह जाती हैं। सिर्फ चीज़ें एंटिसिपेट कर रहा था और एंटिसिपेट कर रहा था कि कहीं ऐसा हो गया, कहीं बकल खुल गया या कहीं बैग टूट गया या स्ट्रिंग टूट गई, ऐसा कुछ हो, तो ये चीज़ें एंटिसिपेट कर रहा था। एक रात पहले तक आई वॉज सो स्केयर्ड, रीजन्स एंटिसिपेशन। तो एंटिसिपेट करना बंद करो और उस काम को करने निकलो जिससे तुम्हें डर लगता है। और जब मैं वो स्काई डाइव के लिए गया और वो मैंने जा रहा था ना, उसके पहले ऐसे फटी वड़ी थी बहुत बुरी तरीके से कि क्या होगा, कैसे होगा, कहीं कुछ होना जाए। बस जो दिल होता है ना, 500-600 की स्पीड से धड़क रहा था, कहीं ऐसे बाहर निकल आएगा सर पूरा। लेकिन 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 जैसे ही मैंने जेट के अंदर पैर रखा, जेट के ऊपर गया और बाहर जब लटका था ना, मेरे को उसने 20 तरह के इंस्ट्रक्शन दिए थे, ऐसे झुकना है और पैर ऐसे ऊपर करना है। ये मेरे को कुछ भी नहीं आता, मतलब आई वॉज लिटरली ब्लैंक। मैं उससे 50 बार पूछ रहा हूँ, बार बार जेट के अंदर पूछा, इस टाइम पे क्या करना है, अब क्या करना है, फिर क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। मतलब मैं ना ऐसे जो डर की एक लेवल होती ना, वो क्रॉस कर चुका था। और मैं उससे कह रहा था, मैंने उससे सब कुछ कहा कि भाई प्लीज़ बचा लेना ये वो। हाँ, लेकिन जब मैं बाहर, जैसे वो गेट खुल, तुमने कभी इमेजिन किया है तुम एरोप्लेन में हो, एकदम से गेट खुल जाए अच्छा, और फिर तुम उस एरोप्लेन के अंदर बैठे हो, मतलब गेट खुले हुए एरोप्लेन के अंदर बैठे हो, सोच इमेजिन करके देखो कैसा लगेगा। तो जैसे गेट खुला, मैं बाहर खड़ा हुआ, इतनी तेज़ हवा, कुछ कहने को जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। और जैसे ही वो मेरे को लेके कूदा, आई वाज लाइक ख़त्म, अब कुछ नहीं बचा, ख़त्म, अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म। लेकिन 1 मिनट तक के लिए ना तुम्हारी एक्चुअल में जान निकल जाएगी, 1 मिनट के लिए, पहले 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो फ्री फॉल होता है ना, ही पैराशूट खुलता है ना कुछ होता है, तुम्हें लगेगा बस अब तुम सीधे नीचे जाओगे और कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जब तुम थोड़ा सा भी सेंस में आओगे और व्यू देखोगे ना, तुम्हें लगेगा तुमने कुछ किया है, तुमने कुछ उखाड़ा है ज़िंदगी में। तुम्हें डर नहीं लगेगा फिर, तुम्हें ये सिर्फ ये लगेगा तुमने हाँ कुछ उखाड़ा है ज़िंदगी में। तो अपने डर से लड़ो, आगे निकलो इन सब चीज़ों से। और किसी भी चीज़ को करने से पहले एंटिसिपेशन करना बंद कर दो। एंटिसिपेशन सबसे बड़ी दर्द की और वो डर की वजह है। मत करो एंटिसिपेट, जस्ट डू इट, जो होगा देखा जाएगा। 1 लाइफ पे भी
देखो मैं ये नहीं कह रहा, मेरे को डर नहीं लगा कूदने के बाद जब पैराशूट खुल गया। लिटरली मैं ना 50,000 तरह की गालियाँ दे रहा था, सबको दे रहा था, वो रिकॉर्ड नहीं है, वो अलग चीज़ है। जब वो मेरे को बोल रहा था डैनियल कि ये पकड़ो अब तुम स्ट्रिंग और तुम इसको चलाओ, मैंने कहा भाई ये तो ना होगा मुझसे, ये ना हो पाएगा। लेकिन फिर मैंने पकड़ा चलाया, वो मुझे कहता 360 घुमाओ पूरा ऐसे करके। मैंने कहा डैनियल भाई अपनी ऐसी ट्रैफिक में जाओ तुम, देखो ठीक है मेरे साथ ये मजाक ना करना। मैं हिंदी में तो कुछ भी कह रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हिंदी में मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो बीच बीच में कह रहा था स्पीक इन इंग्लिश स्पीक इन, मैंने कहा तेरी माँ की आगे स्पीक, मैं पहले होश में तो आऊँ फिर स्पीक इन इंग्लिश करूँ ना। तो फिर उसने 360 पूरा घुमा दिया, लाइक खाता भाई प्लीज़ मेरे को नीचे ले चल, प्लीज़ मेरे को नीचे ले चल किसी तरह, बस हमको समुंदर के ऊपर है, वहाँ पर समुंदर था मरीना बीच, मैंने कहा बस इसके ऊपर ऊपर टहला, कहता है तैरना था, मैंने कहा नहीं आता, कहता दोनों मर जाएंगे डूब जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है फिर भाई बस नीचे ले चल के सर लैंड करा दे भाई मेरे को ले जाके ज़मीन पे बस। तो देखो मैंने अपना ना 3 साल पहले पुराना किया हुआ कमिटमेंट पूरा किया कि मैंने कहा था मैं स्काई डाइविंग करूँगा नेक्स्ट, मैंने वो भी कम्प्लीट कर दिया और मैंने अपने डर को भी जीत लिया। और मेरे को ना कोई जिंदगी में मलाल नहीं रहे, हाँ मैं कुछ ये अपने साथ लेके जा रहा हूँ, ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया, तो ये मलाल तुम भी लेके मत जाओ। मरना तो है यार, रोड में चलते चलते साला गाड़ी चढ़ा जाएगी, चढ़ा देगा कोई तब भी तुम मर जाओगे, तो क्यों इतनी टेंशन लेना है। आराम से जो करना चाहते हो ज़िंदगी में वो करो और आगे बढ़ो। दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली फियर यू हैव टू विन। इफ़ आई कैन डू इट यू ऑल्सो कैन डू इट, इफ आई कैन विन माई फियर यू ऑल्सो कैन विन योर फियर। और आपका डर वो कुछ भी हो सकता है, टू स्टार्टिंग समथिंग और टू मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग और कुछ भी एनीथिंग एल्स, वो डर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हाइट फियर नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है वो डर। वो डर तुम सोच के बैठो कि तुम एंटिसिपेट कर रहे हो इसलिए ही वो डर है। तुम एक बार एक स्टेप ले लोगे, एक बार एक कदम आगे बढ़ाओगे, वो डर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा एक दिन। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड यस इट वॉज अ वेरी एडवेंचरस ब्लॉग, वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपेंड विद मी इन लाइफ। तो थैंक यू सो मच एंड द क्रेडिट गोज टू यू गाइज। अगर तुम लोग उसको इतना वायरल नहीं करते पैराग्लाइडिंग को, हो सकता है आज मैं स्काई डाइविंग को नहीं जाता। थैंक यू सो मच।